गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर समर वेकेशन। तो आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर टू सॉल्यूशन। यहाँ से हम सॉल्व एग्जांपल 2.5 सॉल्व करेंगे आज। ऑलरेडी सॉल्व है एनसीईआरटी का, बट व्हाई आई हैव सिलेक्टेड इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नीट में इसी क्वेश्चन से, इसी न्यूमेरिकल से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एंड फॉर्मूलाज आर लर्न्ड बाय यू। आपने फॉर्मूलाज को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लिया है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो लेट्स स्टार्ट इट। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। गिवन है आपको वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म That is 200 mmHg and vapor pressure of dichloromethane that is 415 mmHg। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि प्रिपेयर किया गया है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट पे हम बाद में जाएंगे। ओके, यहाँ और भी हमें गिवन है, मोलर मास गिवन है क्लोरोफॉर्म का, साथ में डाइक्लोरोमीथेन का। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ पीएस यानी सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? पीए प्लस पीबी यानी टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यहाँ दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक क्लोरोफॉर्म है और दूसरा डाइक्लोरोमीथेन है। तो हम क्लोरोफॉर्म को क्या मान लेते हैं ए और इस डाइक्लोरोमीथेन को क्या मान लेते हैं बी। ओके, तो यानी हमें क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द सॉल्यूशन एंड डाइक्लोरोमीथेन इन द सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेशर है। सो अगेन पीए फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या तरीका हो गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। रॉड्स लॉ से हमें पता है कि पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्स ए, और यहाँ प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट हम क्या लेके आते हैं, पी नॉट ए। यहाँ पी नॉट ए हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट का जो प्रेशर है दैट इज पी नॉट ए। सो यहाँ से देखते हैं हम क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है, क्या हमें पी नॉट ए गिवन है, क्या हमें पी नॉट बी गिवन है। यस, इट इज गिवन टू अस। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, देखिए यहाँ प्योर कंपोनेंट का दिया हुआ है, सेम ये भी वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन जब सिंगल दिया हुआ है, इट मीन्स अभी प्योर स्टेट में है, प्योर स्टेट में है तो क्या गिवन है हमें, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी गिवन है। पी नॉट ए हमारा क्या हो गया, लेट्स पुट द वैल्यू 200 mmHg, एक्स ए हमें नहीं गिवन है, पी नॉट बी गिवन है, यस इट इज गिवन 415 mmHg, अगेन हमें एक्स बी नहीं गिवन है। सो हमें यहां से क्या फाइंड आउट करना, एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू। एक्स ए क्या हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट है एंड एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, एक्स ए एंड एक्स बी फाइंड आउट करते हैं। सो एक्स ए इक्वल टू क्या होगा हमारा, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। एन क्या है हमारा नंबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये मोल फ्रैक्शन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट है ए प्लस बी। अब अगेन मोल्स निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ए हमने किसको माना था, क्लोरोफॉर्म को, और इसका मास क्या गिवन है हमें 25.5 ग्राम। तो हम ए की वैल्यू पुट करते हैं 25.5 ग्राम
और इसका मोलर मास क्या गिवन है हमें 119.5, ठीक है, ग्राम पर मोल। अपॉन में सेम एन ए अगेन, तो वही वैल्यू फिर से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं 109.5, और एन बी के लिए गिवन मास क्या है हमारा 40 ग्राम, और कितना गिवन है इसका मोलर मास, कितना गिवन है 85। तो लेट अस सॉल्व, इन सभी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेट इज 0.0.312, ठीक है। अगेन अब देखिए कि x से हमारा निकल चुका है 0.312, अब हमें क्या निकालना है xb इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.312, और इसको आप सॉल्व करेंगे डेट इज 0.683। So, ये आपको पता होगा कि सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है इट इज ऑलवेज यूनिटी, 1 के बराबर होता है। तो चूंकि हमने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यहाँ क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है, तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। सिंपली हम क्या करेंगे, 1 में से उस वैल्यू को, 1 में से जो एक मोल फ्रैक्शन हमें पता है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हमें पता लग जाएगा, हमें इतना लॉन्ग मेथड दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ से हमें एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता लग गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी पता लग गया। लेट्स पुट दिस वैल्यूज, तो 200 और एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.312, और एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई 0.688, ठीक है। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ गया ये 62.4, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका 285.5, ये आ गया 285.5, प्लस कर लीजिए इनको, और प्लस करके आपके पास आ गया 347.9, ठीक है। तो वेपर प्रेशर हमारा कितना निकल गया 347.9 mmHg। तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया हमने, ये आ गया 347.9 mmHg। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट का, दोनों कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, और इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो लिखते हैं पहले, तो ये वैल्यू हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, साइड में मैं कॉपी कर लेती हूँ ये वैल्यूज। हमारे पास पी ए कितना आ गया, पी ए इच पी ए आया आपका क्या 62.4, और पी बी कितना है 285.5, और पीएस कितना है 347.9, ठीक है। अभी हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, सो यहां से हमें सेकेंड पार्ट में क्या सॉल्व करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, अगेन हमें मोल फ्रैक्शन पता करना है बट नाउ इन द वेपर फेज पता करना है, पहले हमने सॉल्यूशन के अंदर निकाला था, अभी हमें कहाँ निकालना है मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज में निकालना है। सो सेकेंड पार्ट हमें एक्स अगेन फाइंड आउट करना है, किसका, दोनों ही कंपोनेंट का, तो पहले हम क्लोरोफॉर्म का फाइंड आउट कर लेते हैं, किस फेज में, इन वेपर फेज, वेपर फेज में फॉर्मूला क्या है, सो फॉर्मूला होगा PCHCl3 अपॉन पी एस, वेरी सिंपल, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए तो न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होंगे। सो अभी हमने निकाला पी सी एच, हमारा ए क्या था क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का प्रेशर भी हमने निकाला सॉल्यूशन के अंदर क्या था 62.4 अपॉन
और टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर क्या निकाला था 347.9। ओके सेम हम निकालेंगे एक्स डाइक्लोरोमीथेन का इन वेपर फेज, क्या हो जाएगा ये PCH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन अपॉन PS कितना है, बी हमारा क्या था डाइक्लोरोमीथेन दैट इज 285.5 अपॉन 347.9। सो हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका 0.18, ठीक है MMHg, और यहां पे आपका आ जाएगा सॉल्व करके 0.82। देखिए इस तरह से हमने क्या किया, न्यूमेरिकल यू सॉल्व कर लिया। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।